हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके अलर्ट में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों में जो फॉर्म कंप्लीट करवा गए थे बिहार आंगनवाड़ी एवं सहायिका के ICDS के द्वारा, उनका जो रिजल्ट है दोस्तों वो जारी कर दिया गया है। और हम आपको यहाँ पे बताएंगे न्यूज़ अपडेट के माध्यम से कि आपका जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है ICDS बिहार आंगनवाड़ी सहायिका सेविका मेरिट लिस्ट 2019 रिलीज्ड। और हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि एकीकृत बाल विकास ICDS बिहार ने सहायिका सेविका पद के लिए मेरिट सूची जारी कर दी। उम्मीदवार हमारी वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ये मेरिट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन जिन कैंडिडेट्स का जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनका आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताएंगे कि आप कहां से और ऑफिशियल साइट पे विजिट करके किस प्रकार से अपने लिस्ट देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारी ई जो वेबसाइट है, होम पेज है बिहार सेविका का। यहाँ पे दे रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और जो ही इस वेबसाइट पे आपको दोस्तों विजिट करना है, विजिट करने के बाद में आप थोड़ा नीचे की तरफ आपको आना है और आपको नीचे एक नया ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा हुआ कैरियर। और कैरियर पे आपको दोस्तों क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा कैरियर से संबंधित। अब इसके भी आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे दे रखा है कि ANM ब्लॉक स्तर की पोस्ट संशोधित अंतिम मेरिट सूची। और इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने एक नया विंडो पेज खुलेगा, और जिसमें आपको जो कैंडिडेट जिस ब्लॉक से है, जिस डिस्ट्रिक्ट से है, और जिस ये यहाँ पे दे रखे हैं 2 या 3 कॉलम आपको भरने। और भरने के बाद में आपके सामने आपकी PDF आपके ब्लॉक लेवल की शो करेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद में आपको PDF के अंदर आपको डाउनलोड होगी यानी। और फिर आप उस मेरिट लिस्ट में अपने नाम, प्रोविजनल जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अपना नाम देख सकते हैं। आपको यहाँ पे भरना होगा अलग, इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ब्लॉक आएंगे अलग अलग कौन से ब्लॉक में, फिर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में। नीचे यहाँ पे अलग अलग ये दे रखे हैं कौन से NM पे हैं, कौन सी पोजीशन है आपकी यानी मतलब कौन सी पोस्ट है आपकी, NM ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की है, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है कौन सी। इस पर एक पे क्लिक करने के बाद में आप उसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर लेवल सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक लेवल। और फिर आपके सामने आपके ही ब्लॉक लेवल की जो PDF फाइल है यहाँ पे सेव होगी, उस पर क्लिक करने के बाद में आपकी फाइल खुलेगी और उसमें आप अपना नाम आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बिहार आंगनवाड़ी से संबंधित, जिसने हम को हमने आपको यहाँ पे बताई है। और आप अपना जिन जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दी है वो अपना ये लिस्ट यहाँ पे, जिन जिन ने फॉर्म भरा है वो अपना लिस्ट यहाँ पे देख सकता है। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और सभी प्रकार की एजुकेशन खबरें पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।